तो नमस्कार, मैं अनिल चौहान स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, ये है सच्चाई जो कि हमारे हाथ में है, और बाकी हम लोग जो शहरों में खाते हैं वहां मिलती है मिलावट। तरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में की जाती है। अन्य फलों के फसलों के मुकाबले इस फल में कम समय, कम खाद और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में किसान इसकी खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। इसकी खेती के लिए गर्म और औसत आर्द्रता वाले क्षेत्र सबसे उपयुक्त होते हैं। लगभग 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसका विकास अच्छे से होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर तरबूज की खेती सही तकनीक से की जाए तो लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की जाए, साथ ही खेत में पानी की मात्रा कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस गांव में तरबूज की खेती बेहद शानदार तरीके से की जाती है और काफी संख्या में तरबूज शहर भेजा जाता है, जिससे किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। साथ ही यहां तरबूज की खेती बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बगैर की जाती है, जो कि एक नेचुरल तरीका है। आपको नदियों के खाली स्थानों में क्यारियां बना लेनी चाहिए। इसके बाद भूमि में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रहे, यदि रेत की मात्रा अधिक है तो ऊपरी सतह को हटा दें और नीचे की मिट्टी में खाद को मिलाएं। खेत से जाकर के ताजे ताजे तरबूज तोड़े और काफी आनंद हुआ हमें। बड़ी मुश्किल से ये लोग मिले, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और वो खेत इनके थे जिनके यहाँ से हमने तरबूज लिए। पीछे जो हमने भाई साहब से लिए थे वो दूसरा खेत था, और ये अभी इनसे हमने विकास जी, आकाश जी, ऋषभ जी और आपका क्या नाम है? विकास। हाँ विकास, एक कोई रह गया ना, सचिन जी। इन लोगों के माध्यम से हमने तरबूज प्राप्त किए। इन लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक बार आप लोग भी करेंगे थम्सअप। थैंक यू, हम लोग रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, नमस्कार।